सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज आपकी इंग्लिश क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नंबर के विषय में। नंबर यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं वचन, यानी कि नंबर नाउन की संख्या का बोध कराता है। जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो नाउन की संज्ञा का बोध कराता है जो अंग्रेजी में केवल दो होते हैं। जैसे कि हिंदी में क्या होता है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, खाली दो ही प्रकार के वचन होते हैं। अगर संख्या एक है तो एक वचन, और संख्या अगर एक से अधिक है तो उसके लिए हम बहुवचन या फिर प्लूरल, उसको हम जिसको बोलते हैं हम, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर एक वचन है तो उसको हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं, बहुवचन है तो उसको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं। तो एक संख्या के लिए सिंगुलर और एक से अधिक संख्या के लिए प्लूरल का यूज करते हैं। आप सभी लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए दोस्तों ये चैप्टर पढ़ाना आप लोगों को बहुत जरूरी था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिंगुलर एक वचन, जो नाउन एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए वे सिंगुलर नंबर में होते हैं। जैसे कि बॉय, बेबी, बॉक्स, यानी कि ऐसे नाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि संज्ञा की बात की जा रही है, नाउन की बात की जा रही है, तो किसी के भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आप सभी को पता है, चाहे लड़का हो, चाहे कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, या फिर कोई जानवर घोड़ा हो, शेर हो, इसके अलावा किताबें, टेबल, मेज, कुर्सी, सभी चीजें क्या है, नाउन ही तो है। तो यहाँ पर नाउन की बात हो रही है, तो जब एक संख्या रहेगी तो सिंगुलर नाउन, दो संख्या रहेगी एक से अधिक रहेगी, अब चाहे वो दो हो, तीन हो, चार हो, दस हो, सौ हो, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्लूरल नाउन, यानी कि वो संख्या हो गई प्लूरल, यानी कि बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए, जो नाउन एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराए वे होते हैं प्लूरल नंबर्स। जैसे बॉय का क्या हो गया, बॉयज, बेबी का क्या हो गया, बेबीज, बॉक्स का क्या हो गया, बॉक्सेस। तो इस तरीके से आपने देखा सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन मेनली आप देख रहे हो यहाँ पर देखिए, बॉय में आगे यस लग गया, बेबी है तो इसमें वाई को हटा करके आई ई एस लग गया, बॉक्स है तो यहाँ पर यक्स के बाद ई एस जुड़ गया। तो इस तरीके से कोई रूल होता होगा आखिर में, किस तरीके से सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं। तो आज हम उन्हीं रूल्स को पढ़ेंगे। एक बार अगर आप रूल को समझ जाओगे तो फिर आप भूलोगे नहीं, इसलिए आप दोस्तों ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर आप लोग को पढ़ाना भी बहुत ही जरूरी था। देखिए, प्लूरल बनाने के नियम, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में दोस्तों दो से तीन नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो अगर आप एक बार पढ़े रहेंगे इसको तो आपके लिए ये मार्क्स गेन करना बहुत ईजी होगा। देखिए, उपयुक्त प्रकारों के लिए प्रयुक्त विभिन्न नियमों का हम निम्न प्रकार उल्लेख कर सकते हैं। देखिए, जो नाउन्स ए कॉमा ई कॉमा डबल ई कॉमा ए वाई कॉमा ई वाई कॉमा ओ वाई कॉमा डबल ओ में समाप्त होते हैं, उनके अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बनाना, यहाँ पर देखिए लास्ट में ए आ रहा है तो इसके अंत में सिर्फ यस जोड़ देंगे हम, बनानास हो गया। हॉर्स है, ठीक है, ई से समाप्त हो रहा है तो इसके आगे सिर्फ एस जोड़ देंगे, हॉर्सेस हो गया। ट्री है, ट्री का इस ई पर समाप्त हो रहा है तो यहाँ पर हम ट्रीज। प्ले वाई से समाप्त हो रहा है, ए वाई से समाप्त हो रहा है, आप देखिए ए वाई से समाप्त होगा तो क्या लग जाएगा, उसको हटा करके हम यहाँ पर देखिए हटाएंगे नहीं, बस केवल इसके आगे हम एस जोड़ देंगे, प्लेस हो गया। मंकी है तो यहाँ पर देखिए मंकी वाई के आगे क्या लग गया, ई वाई, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ई वाई के आगे एस लग जाएगा, मंकीज। बॉय, बॉयज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कुकू है, यहाँ पर कुकूज हो गया। बैम्बो है, बैम्बोज हो गया, ठीक है, या बैम्बू है, बैम्बूज हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर किसी भी नाउन में जिसके लास्ट में ए है, ई है, डबल ई है, ए वाई है, ई वाई है, ओ वाई है या डबल ओ है, तो इनके बाद में हम एस जोड़ करके इसका प्लूरल बना लेते हैं। अब इसके बाद हम सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल क्या है, ध्यान से आप समझिएगा दोस्तों। देखिए,
जो सेकेंड रूल है, जिन नाउन के अंत में प्रायः कॉन्सोनेंट या व्यंजन होता है उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे बुक बुक्स हो गया, कैट कैट्स हो गया, रूम रूम्स हो गया, बैग बैग्स हो गया, कैप कैप्स कप कप्स हो गया, बाल बाल्स हो गया, रोड रोड्स हो गया, स्टार स्टार्स हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लास्ट वर्ड है सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है, आप सभी को पता है, ये देखिए सभी कॉन्सोनेंट हैं। और वॉवेल कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये भी आपको पता है। अब देखिए तीसरा रूल क्या है, जो नाउन यस डबल एस सी एच एस एच एक्स से समाप्त होते हैं उनके अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे बस यस से समाप्त हो रहा है तो इसमें हम ई एस जोड़ेंगे, बसेस हो गया। क्लास है, क्लास में भी ई एस जोड़ेंगे, क्लासेस हो गया। ब्रांच है, सी एच से समाप्त हो रहा है तो यहाँ पर भी देखिए ई एस जोड़ेंगे। बेंच है, सी एस से समाप्त हो रहा है तो इसमें भी ई एस जोड़ेंगे। ब्रश है, यस यस से समाप्त हो रहा है तो इसमें भी ई एस जोड़ेंगे, ब्रशेस। बॉक्स है, यहाँ पर देखिए एक्स से समाप्त हो रहा है तो इसमें ई एस जोड़ेंगे, बॉक्सेस हो जाएगा। इसके बाद चौथा रूल है, जिन नाउन के अंत में सी एच होता है और उनकी ध्वनि क निकलती है तो उनमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि मोनार्च, तो यहाँ पर देखिए मोनार्चेस हो जाएगा। स्टमक है, स्टमचेस हो जाएगा। इसके बाद पांचवा रूल है, जिन नाउन के अंत में ओ होता है उनसे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिनमें भी लास्ट में ओ आता है, जिन नाउन के अंत में लास्ट में ओ आता है तो उसमें हम ई एस जोड़ देते हैं, बहुत ईजी है। मैंगो है, मैंगोज हो गया, ई एस जुड़ गया। पोटैटो है, पोटैटोज हो गया, ई एस जुड़ गया। टोमेटो है, टोमेटोज हो गया, ई एस जुड़ गया केवल। हीरो है, हीरोज हो गया। बफलो है, बफलो मीन्स भैंस होता है, आप सभी को पता है, बफलोज हो गया। ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बफलो एग्जाम में पूछ चुका है तो इसमें ई एस केवल जोड़ते हैं। फिर मॉस्किटो है, मॉस्किटोस हो जाएगा। मॉस्किटो और बफलो दोस्तों याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, बस केवल ई एस जुड़ता है इसके प्लूरल में। लेकिन दोस्तों इस नियम का कुछ अपवाद भी है, जैसे देखिए पियानो है, पियानो का पियानोज हो जाता है, केवल एस जुड़ता है। इसके बाद देखिए छठवा रूल है, जो नाउन से समाप्त होते हो किंतु वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो वाई को आई में बदल कर ई एस जोड़ देने पर, अर्थात यहाँ पर देखिए वाई प्लस ई एस जोड़ेंगे तो आई ई एस बनेगा। कैसे देखिए यहाँ पर कहा गया है, ऐसे नाउन जो लास्ट में जिनके वाई आता हो लेकिन उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे बेबी, देखिए वाई से पहले बी आया है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉबल तो है नहीं, ए ई आई ओ यू तो नहीं है इसके आगे, वाई के आगे क्या है, बी है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि वाई को हटा करके इसके स्थान पर हम क्या कर लेंगे, आई ई एस, जैसे बेबी का बेबीज। सिटी है, वाई के आगे टी है तो यहाँ पर भी वाई को हटाएंगे हम, आई ई एस सिटीज। ड्यूटी है, ड्यूटी में भी टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले आया है तो यहाँ पर भी Y को हटा करके आई ई एस ड्यूटीज। इसके बाद फैक्ट्री है, फैक्ट्री में भी देखिए Y के आगे R है, R क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी Y को हटाएंगे, आई ई एस जोड़ेंगे, फैक्ट्रीज। लेडी है, लेडी को इस तरीके से लेडीज। स्टोरी है, स्टोरीज हो जाएगा। इसके बाद है सातवां नंबर, जो नाउन F या एफ ई पर समाप्त होते हैं उन्हें प्लूरल बनाने के लिए F या एफ ई को हटा कर वी ई एस लगाते हैं, जैसे काफ, काफ के काफ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, काल्फ्स। इसके बाद देखिए थीफ का, थीफ्स। यहाँ पर बस एफ या एफ ई पर जो समाप्त होते हैं एफ और एफ ई को हटा देंगे हम, उसके स्थान पर वी ई एस लगा देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए लीफ, लीफ्स हो जाएगा, पत्तियां, पत्ती पत्तियां। नाइफ, नाइफ क्या हो जाएगा, नाइफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइफ का एग्जाम में पूछा भी है। लाइफ, लाइफ्स। वाइफ, वाइफ्स, वी ई एस वी ई एस वी ई एस लगा देंगे, जहां पर भी लास्ट में एफ या एफ ई आएगा उनको हटा करके। अब चलिए इस नियम का क्या अपवाद है ये देख लेते हैं। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे यहाँ पर देखिए चीफ का चीफ्स हो जाता है, केवल एफ के आगे एस लग जाता है। प्रूफ का प्रूफ्स होता है, रूफ का रूफ्स होता है, सेफ का सेफ्स होता है। तो ये अपवाद है, ये चारों अपवादों को आप याद रखिएगा। इसके बाद आठवां रूल है, कुछ नाउन के अंत में
ईएन या आर ईएन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, ऑक्सन मीन्स बहुत सारे बैल या दो बैल, तो यहाँ पर देखिए ईएन जोड़ देते हैं। इसके बाद है चाइल्ड का, चाइल्ड का बहुवचन था चिल्ड्रन, ये आप सभी को पता है, आर ई एन जोड़ करके चिल्ड्रन बनाते हैं। इसके बाद नौवा जो रूल है वो है कुछ नाउन के बीच के वॉवेल्स को बदलकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे मैन का मैन, फुट का फीट, बेसिस का बेसिस, माउस का माइस। तो ये माउस का आप याद रखिएगा, माइस होता है बहुवचन, एग्जाम में पूछता है और बहुत सारे लोग मोस्टली गलत कर देते हैं, इसके आगे एस लगा करके चले आते हैं ई के आगे, तो माउस का माइस होता है, आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद है दसवां रूल, कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल रूप समान होते हैं, जैसे सीप का सीप ही होता है, यानी कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे शब्द जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है, फिश का फिश ही होता है, डियर का डियर ही होता है, स्वाइन का स्वाइन ही होता है, पेयर का पेयर ही होता है और डजन का डजन ही होता है। तो इस तरीके से आपने आज सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 10 रूल्स देखे और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक में मैं आपको इसके ढेर सारे एग्जांपल्स करा दूंगी, प्रैक्टिस करवा दूंगी, ताकि आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आए गलत ना हो, और अगर एक बार ढेर सारे एग्जाम्पल आप पढ़े रहोगे तो आपको याद भी रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए, और इससे पहले हम लोगों ने सभी टीचिंग मेथड्स पढ़ा दिए हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ा दिया है आपको, सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप दोस्तों सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों के इंग्लिश सब्जेक्ट को, और लगातार आगे भी ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। बस दोस्तों ऐसे ही आप हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आप टेलीग्राम ऐप पर टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करके वहां से भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग केवल इंग्लिश ही नहीं सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं आप लोगों के, और सभी सब्जेक्ट का हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट की क्लासेस का प्लेलिस्ट बना दिया। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आसानी से आप सभी विषयों के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे सभी वीडियोस। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद दोस्तों।